यार यहीं शादी में पे आ जा, ऐसा मत कर। लोकेंद्र के दो तीन ही फ्रेंड जो अच्छे लगते हैं। अरे एक काम करिए ना कि इसमें एक दिन में मतलब 30 दिन का बना रखा ना, 15 दिन में कर दे। मैं खुद मैं सोच रही थी, मैं और भाई को कह रही थी कि साइकिल ले लेते हैं गाड़ी में। नहीं साइकिल बहुत बढ़िया है, बताऊं जरूरी नहीं है कि तुम लंबे टूर पे ले जाओ। योगा भी हो जाती है पर कम से कम ना लोग कम से 5 से 10 किलोमीटर चलाएं। औरों का पता नहीं, मैं तेरे पे बहुत अच्छी लगती हूं। थैंक यू। सो फाइनली दोस्तों आज हो रही है मेरी राइड स्टार्ट। ये मत सोचना कि अभी राइड स्टार्ट हो गया, अभी राइड स्टार्ट नहीं है। बट ना दोस्तों क्या बोलते हैं, जब भी राइड स्टार्ट करो ना तो ऐसा बोलते हैं कि अपनी कुलदेवी का नाम लेना चाहिए। तो हमारी कुलदेवी तो कुंजापुरी माता है, तो जय कुंजापुरी माता। तो दोस्तों इसी के साथ अपना ब्लॉग भी करते हैं स्टार्ट। मैं हूँ राइडर विकास भंडारी, स्वागत करता हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। और आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और सुबह सुबह का मौसम देखिए कैसा हो रहा है। मैंने आपको बोला था ना धुंध बहुत ज़्यादा हो रही है, सुबह शाम तो हो रही है धुंध बहुत ज़्यादा, पर दिन दिन में थोड़ी गर्मी है, बाकी तो सुबह शाम ठंड है। तो ना यार जाने से पहले मम्मी से ना मिले, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बस अब मम्मी से मिलने जा रहा हूँ मैं, मामी के घर। तो जल्दी से मम्मी से मिलते हैं, मम्मी का आशीर्वाद लेते हैं और अपनी राइड करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों मैं सीधा वहीं मिलता हूँ। ठीक है सर, बाय। सो दोस्तों मैं निकल चुका हूँ मामी के घर से भी, अब मैं घर चलता हूँ पहले और अपनी पूरी पैकिंग वगैरह करते हैं और देन मैं आपको मिलता हूँ। इसमें एक दिन में मतलब 30 दिन का बना रखा ना, 15 दिन में कर दे। तब तो मैं ऋषिकेश, जब ऋषिकेश आ रहा हूँ ना देहरादून से, ऐसे लटकता हूँ। तो दोस्तों मैं भर रहा हूँ इसमें हवा, और हवा बहुत ज़रूरी है भरना तो ताकि मेरे को दिक्कत ना आए आगे। तो इसमें मैं हवा भर देता हूँ फटाफट से और फिर तैयार होते हैं। सो फाइनली दोस्तों मैं निकल चुका हूँ घर से और अपनी बैग पैकिंग ना बहुत खतरनाक हो रखी है, बहुत ज़्यादा लोड पड़ गया साइकिल में। फिलहाल मैं जा रहा हूँ यार हर्ष के घर और वहाँ पे हर्ष को मिलने के लिए, देन वहाँ से मेरे को एक और काम है तो वहाँ से बाइक उठा के वहाँ निकल जाएंगे। सो फ्रेंड्स यार मैं हर्ष के साथ अभी जा रहा हूँ स्कूटी में गौरव भाई के पास, वहाँ से विंडशटर उठाते हैं और देन यहाँ से मैं निकल जाऊँगा घर गाँव के लिए। Yeah, guys. Support and subscribe, like, comment. चल ठीक है फिर, हाँ बाय। तो दोस्तों अपना सारा काम हो चुका है, बस अब यहाँ से निकलते हैं। बाकी मैं हर्ष भाई से मिलने आया था यहाँ पे और अभी अपना जो दो तीन काम बचे हुए थे वो सारा हो गया, हर्ष भाई के साथ जा रखा था। चलो भाई यहाँ से भी निकलते हैं आओ, और अपनी वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, हो ही गया। हाँ अपनी राइड हो चुकी है स्टार्ट, और तो ये देखिए अपनी साइकिल एंड साइकिल के ऊपर जो बैग पैकिंग मैंने करी हुई है ये है, और यहाँ से हम ऊपर चलेंगे। तो ये है अपना पूरा ऋषिकेश, ऋषिकेश को कर लेते हैं बाप बाय। अब यहाँ तो हम सीधा एक महीने बाद ही आएंगे, तो यहाँ से होती है अपनी चढ़ाई स्टार्ट पूरी। तो अब जितना भी है पूरा मेरे को एलिवेशन मिलने वाला है, तो देखते हैं यार। मैं आज है मेरा पहला दिन ऑफ फर्स्ट टूर ऑफ फर्स्ट डे, तो देखते हैं क्या होता है यार। अपनी साइकिल का हाल कुछ इस तरह है। चलो भाई उम्मीद करता हूँ भाई मेरी सेफ जर्नी हो और आप सबका प्यार मिले मेरे को। तो सो
सो बाय बाय ऋषिकेश, मिलते हैं एक महीने बाद। ये तो धुंध हो रखा, कुछ दिख नहीं रहा, बट ठीक है फिर भी बाय बाय। सो दोस्तों निकल गए हम अपनी राइड के लिए, और आज की जो मेरी डेस्टिनेशन है वो मेरा है गांव। मेरे को गांव पहुंचना है। तो दोस्तों अभी मैंने सिर्फ ये मोड़ क्रॉस करी है, 7 मोड़ मतलब। तो ना इतना आसान तो नहीं है भाई साइकिल चलाना, वो भी इस बैग पैकिंग लोड के साथ। मेरी ना हालत ख़राब हो चुकी है, मेरा पैर कांप रहा है बहुत ज़्यादा यार। यार वो तो शुक्र मानो कि हर्ष भाई ने मेरे को चॉकलेट्स दे रखी है, ये देख सकते हो। तो थैंक यू हर्ष भाई ये चॉकलेट देने के लिए। थक चुका हूँ यार बहुत ज़्यादा। यार मैंने ना सारी की सारी चॉकलेट खा ली भाई, भूख इतनी ज़्यादा लग गई ना साइकिल चला के। अब चला कुछ नहीं, अभी 7 से 8 किलोमीटर चलाऊँ और भूख लग गई यार बहुत ज़्यादा। नरेंद्र नगर पहुँचता हूँ यार, वहाँ पर जाके ना खाना खाता हूँ। सो दोस्तों जैसे मैं नरेंद्र नगर एंटर करा तो सबसे पहले मैंने खाने की दुकान ढूंढी, कहाँ पे भाई खाना खाऊं मैं। तो जैसी दुकान देखी वैसे दुकान में घुस गया, एक हाफ प्लेट छोले चावल करवा दिए और खा के सीधा निकल गया राइड के लिए। भाई लोगों असली एलिवेशन तो अब स्टार्ट होगा यहाँ से, जो कि करीब करीब मेरा 2 से 1.5 किलोमीटर होगा। बट भाई इसमें मेरी वाट लगने वाली है, बहुत गंदी वाट लगने वाली है। तो मेरे को पहुँचना हूँ वहाँ सामने, दिखाई नहीं दे रहा होगा मुझे पता है, बट मेरे को जाना है वहाँ सामने पहाड़ में। तो बस ये एलिवेशन जरूरी जल्दी से मेरा पार हो जाए यार, बाकी मेरे को कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों प्लीज़ मेरी शक्ल में मत जाना यार, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं। और आपको बताया तो मैं नरेंद्र नगर से ऊपर आ गया हूँ। सो जो मेरे लिए सबसे टफ टास्क था ना इस राइड के लिए वो ये था, मेरे लिए ये पार करना था। इसको पार करते करते मेरी हालत हो गई ख़राब भाई साहब। और यहाँ पहुँचते पहुँचते ना मेरे को टाइम हो चुका है 2:32, मतलब 1:30 बज चुके हैं। तो यार मतलब ठीक ठीक जा रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा भी नहीं ज़्यादा बेकार भी नहीं। तो बस थोड़ी सी और चलना है, उसके बाद ना ढलान स्टार्ट हो जाएगी आगरा खाल से। तो जल्दी से आगरा खाल पहुँचते हैं दोस्तों, जल्दी से घर पहुँचता हूँ यार। तो दोस्तों तो सामने जो आपको दिख रहा है वो माँ कुंजापुरी का मंदिर है। तो कुंजापुरी माँ के दर्शन, माता जी के दर्शन करके मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तो दोस्तों काफ़ी सारे पूछ रहे थे कि मेरी जो मेरी ये टूर हो रहा है, जो मेरी राइड हो रही है, ये इसकी एंडिंग कहाँ पे होगी। तो दोस्तों आपको बता दूँ इसकी एंडिंग वहाँ ऊपर होगी, वहाँ पर जहाँ माँ कुंजापुरी मंदिर है, माता का मंदिर है, वहाँ पर मेरी जाके एंडिंग होगी। तो बहुत जल्द वहाँ पर मिलते हैं आपको। फिलहाल अभी मेरे को जाना है यहाँ से, और जो मैंने एस्टिमेटेड जो मैंने टाइम लगाया था यार पहुँचने अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचने का, वो लगा रखा है 6 बजे। तो भाई मेरे पे सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे रह गए हैं, तो 2 घंटे में मेरे को पहुँचना पड़ेगा बस जल्दी से खाड़ी। दोस्तों अब वो जगह आने वाली है ना जहाँ से मेरे को सुकून मिलने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अभी बताता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों जिस सुकून की मैं बात कर रहा था ना वो ये है ढलान। चढ़ाई देख रहे हो कितनी खतरनाक चढ़ाई है भाई साहब, अगर ये सामान नहीं होता तो अब तो मैं चढ़ा भी लेता, बट अभी सामान है ना, चढ़ा तो लूँगा पर वाट लग जाएगी बहुत गंदी वाली।
तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं घर अपने डेस्टिनेशन में। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं और ना थकान इतनी ज़्यादा लग गई है ना, बट खुशी भी है कि मैं अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गया हूं और फर्स्ट राइड फर्स्ट डे मेरा बहुत अच्छा रहा। तो भाई मिलता हूं मैं थोड़ी देर में, फ्रेश होता हूं पहले, फिर मैं आपको मिलता हूं। सो दोस्तों मैं हो चुका हूँ रेडी नहा धो के। सो दोस्तों मैं हो चुका हूँ फ्रेश और ये देख सकते हो बिल्कुल टिप टॉप बन गया। तो दोस्तों आने के साथ साथ ना भाई यहाँ पे लाइट भी चली गई है, ये देखो लाइट नहीं है यार, तो अपना मोबाइल भी बंद होने वाला है। तो ना ऐसे में ना पावर बैंक बड़ा काम आता है यार, तो मैंने सही कर लिया, पावर बैंक ले लिया। तो चलो अब मोबाइल भी चार्ज हो जाएगा और अपने ये GoPro की बैटरीज वगैरह भी चार्ज हो ही जाएंगी। चलो दोस्तों यार अब बात कर लेते हैं भाई। तो ऋषिकेश से निकला था मैं 11 बजे और यहाँ पहुँचा मैं 5:30 के लगभग। तो दोस्तों मज़ा तो बहुत आया, सही बताऊँ मज़ा बहुत आया, बट थोड़ी दिक्कत भी हुई है। दिक्कत क्या हुई थी यार, जब मैं चढ़ाई चढ़ रहा था ना तो क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा था, लोड बहुत ज़्यादा था, 20 किलो वजन था, तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी चलाने में। पर ठीक है, फिर भी उसके हिसाब से मैंने ना बहुत सही कवर कर लिया। तो बस आगे की राइड भी मेरी ऐसी हो, अच्छी हो, बढ़िया हो, आप सबका प्यार मिले बस यार, जो कर रहा हूँ ना यार ठंड में करना ना यार बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए, और ये कर रहा हूँ ना तो आप सबके लिए कर रहा हूँ। प्लीज़ प्लीज़ यार सपोर्ट करना यार प्लीज़। तो यहीं पर अपनी वीडियो को भी एंड करता है, आई वो आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कॉमेंट करिए एंड शेयर जरूर करना, शेयर जरूर करना भाई है। तो चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।